नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे आप लोग सब? सैटरडे बुक रिव्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज की बुक है अ प्रॉमिस लैंड बाय बराक ओबामा। अब ये वाली जो बुक है, ये बराक ओबामा ने दो बुक्स लिखने का सोचा था, जिसमें ये था कि वो अपने दोनों जो टर्म्स थे एज US प्रेसिडेंट 2008 से 2012 एंड 2012 से 2016, उनको वो कवर करना चाहते थे। ये वाली जो है ये फर्स्ट बुक है जिसमें 2008 से लेकर 2012 तक जो उनका टर्म था उसको कवर किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक काफ़ी लंबी है, अराउंड 24-25 आवर्स की तो इसकी ऑडियो बुक थी। तो जो नॉर्मल पेपरबैक बुक होती है वो आपकी आराम से 700-800 पेजेस के आसपास होगी। बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फैसिनेटिंग है। सारे प्रेसिडेंट ओबामा ने सारे अपने जो भी एक्सपीरियंसेस थे वो सब शेयर वगैरह करे हैं इसमें। बट ये है कि इस बुक में कुछ कुछ एरियाज मेरे को ऐसे लगे जो शायद जिसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी वो गए हैं। अब हो सकता है जिन लोगों को पॉलिटिक्स बहुत पसंद है उन लोगों को ये चीज़ अच्छी लगे। वॉशिंगटन में कैसे काम होता है, व्हाइट हाउस में कैसे कैसे डिसीजंस आप लेते हैं, कैसे सेनेट चलती है, क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ों में किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको वो इंटरेस्टिंग लगेगा। थोड़ा एडिटिंग हो सकती थी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको थोड़ा शॉर्ट में बताया जा सकता था, कुछ चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है। एंड अगर वो चीज़ नहीं होती तो ऑडियो बुक मेरे ख्याल से शायद अराउंड 4-5 घंटा कम हो सकती थी इसकी। ओवरऑल बुक काफ़ी अच्छी है, जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, US के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, प्लस मिडिल ईस्ट क्राइसिस वगैरह जो था, अरब स्प्रिंग वगैरह जो हुआ था उसको कैसे हैंडल किया गया था वो सब बताया गया है, प्लस जो उनका 2010 में जो इंडिया का विजिट था वो भी बताया गया है इसमें। अब हो सकता है कुछ लोग की आइडियोलॉजी टूवर्ड्स रिपब्लिकन हो तो उनको ये बुक थोड़ी कम समझ में आए, बट ये है कि ओवरऑल अगर आपको US पॉलिटिक्स समझनी है, ओवरऑल आपको US का सेनेट और वो सारी चीज़ें के बारे में, US कांग्रेस वगैरह के बारे में समझना है तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेरी तरफ से इस बुक को मिलेगी 4.2 रेटिंग्स। दी ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस बुक वॉज कि ये थोड़ी लंबी थी, थोड़ी सी शॉर्ट हो सकती थी बुक, बट वैसे काफ़ी अच्छी है। लैंग्वेज बहुत सिंपल है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। एंड एक ऐसी बुक है जो एक इंसान ने बीइंग प्रेजिडेंट अपने जो एक फ्रैंक ओपिनियन देना हो या फिर अलग अलग चैलेंजेस जो फेस करे उन्होंने वो बताना हो, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन करी गई हैं। इसके अलावा ओसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन था वो उसके बारे में पूरी डिटेल्स हैं कि कैसे कैसे उन्होंने प्लान बनाया था एंड कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया था, वो भी सब बताया गया, वो भी काफ़ी फैसिनेटिंग है। तो एक काफ़ी अच्छी बुक है, जिन लोगों को जियोपॉलिटिक्स US पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छी बुक है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप लोग जब भी ये बुक पढ़ेंगे तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कॉमेंट्स में कि आपको इस बुक में क्या अच्छा लगा, क्या गलत लगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।